डियर स्टूडेंट्स, आपके मैसेजेस लगातार आ रहे हैं कि एपिसोड्स जल्द से जल्द अपलोड किए जाएं, तो ये सब लगातार अब आपको दिखने लगेगा। चाहे बीपीएससी हो, सब इंस्पेक्टर या दूसरे एग्जाम्स, आपको अब एपिसोड्स लगातार आने लगेंगे। हमें लगा कि जीएस मास्टर 2.0 सेशन की शुरुआत एक प्रैक्टिस सेट से की जाए। 100 क्वेश्चंस के इस प्रैक्टिस सेट में जो सारे एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे बीपीएससी हो, सब इंस्पेक्टर हो या ईएसआई हो या दूसरे एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम्स के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सारे लोग इसे बनाएं। और इसमें हमने कट ऑफ भी अलग अलग वर्ग के लिए निर्धारित कर दिया है। हालांकि ये पूरा सेट स्पेशली फोकस्ड होकर सब इंस्पेक्टर मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, लेकिन ये सारे एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें 70 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के हैं, साथ ही 71 से लेकर 100 तक 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस 81 से लेकर 90 रीजनिंग के हैं, जबकि 91 से लेकर 100 यानी 10 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के हैं। मैथमेटिक्स का अभी आपको सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा, चूंकि टाइम की कमी हो रही थी और आपका दबाव बन रहा था कि जल्द से जल्द एपिसोड्स अपलोड किए जाएं। एनीवे, चलिए 100 क्वेश्चंस के इस नए सेट को बनाते हैं, जिसमें कट ऑफ हर वर्ग के लिए निर्धारित कर दिया गया है, जो इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वह क्षेत्र जो तीसरा ध्रुव यानी थर्ड पोल कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हिंदू कुश पर्वत, चूंकि विश्व की बड़ी पर्वतमालाएं यहीं से निकलती हैं। और सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसीसी संविधान से, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है। तीसरा प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड कहां स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलंग, गुजरात। नेक्स्ट, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा। पांचवा क्वेश्चन, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रक्त प्रणाली ब्लड सिस्टम में प्रवेश करता है तो रिएक्ट कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्किल्स, जो दरअसल एंटीबॉडीज के रूप में कार्य करता है। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की सील्स मुहरों पर नहीं दिखाई देता, तो इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा यानी हॉर्स। नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन, प्रशिक्षित कुत्तों के द्वारा अपराधियों को पकड़ने की प्रक्रिया निम्नलिखित किस रासायनिक यौगिक की पहचान पर आधारित है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यूरिक एसिड। पांव के पसीने या कपड़ों की गंध जो पसीने के द्वारा निकलती है उसे सूंघकर कुत्ते अपराधियों की पहचान करते हैं। नेक्स्ट, आठवां क्वेश्चन, शांत घाटी यानी डॉल्ड्रम किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, जिसके दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण शांत पेटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, सामान्यतया राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री से सलाह करते हैं, ये क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति का ये कर्तव्य है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि स्टेट के सीएम से इस पर चर्चा की जाए। दसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सिक्किम। सिक्किम में ही पुलू खेल खेला जाता था, जिसे अंग्रेजों ने देखा और उसे इंग्लैंड ले गए और फिर वहां से यूरोप में पहुंचाया। 11वां प्रश्न, मेगास्थनीज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या सारा कथन सत्य असत्य है, आपको इसकी पहचान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 तथा 3। वह रोम का निवासी नहीं बल्कि यूनान का निवासी था, जिसे ग्रीस या ग्रीक कहते हैं, बाकी 2 और 3 सत्य हैं। 12वां प्रश्न, पादप जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संघ यानी फाइलम संबंधित नहीं है, इसकी पहचान आपको करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पोरीफेरा। पोरीफेरा एनिमल किंगडम का फाइलम है, प्लांट किंगडम का नहीं। नेक्स्ट, 13वां प्रश्न, पिरेनीज पर्वत
निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है? पिरिनीज माउंटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस और स्पेन। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 तक भारत सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन यानी नेशनल सोलर मिशन के तहत कितनी सोलर एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा है 21-22 तक? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 100 गीगा बाइट। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, पत्रकारिता के लिए दिया जाने वाला विश्वख्यात पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका का कोलंबिया यूनिवर्सिटी यह प्राइज देता है। 16वां प्रश्न, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किन वैज्ञानिकों की देन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी श्लाइडन और शुआन, जो फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे। 1838-39 में यह थ्योरी आया था। 17वां प्रश्न, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के कारण निम्नलिखित में से कौन सी संधि कौन सी ट्रीटी साइंड हस्ताक्षरित नहीं हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 9, जो 1961 में आया, यह निर्गुट आंदोलन था। इसमें किसी गुट में शामिल नहीं होने की शपथ देशों के द्वारा ली गई थी, जिसमें भारत एक मुख्य देश था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर एरा आया, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में और रूस के नेतृत्व में अलग अलग देश सीटो सेंटो या वॉरसॉ पैक्ट, तो इस तरह से दो धड़ों में बट गए विश्व के देश। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सौरभ गांगुली। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस यानी विज्ञान का महाद्वीप भी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। यह दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल का भाग है, साथ ही विश्व भर के रिसर्च स्टेशन यहां स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में पीरियड में नॉन मेटल्स की संख्या मैक्सिमम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सेकंड पीरियड में, इसमें सर्वाधिक नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, सी लेवल से बिहार राज्य की हाइट एवरेज हाइट कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 53 मीटर, जो फीट में 173 फीट होता है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों में विवाद हो जाने पर संयुक्त ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। कॉल करते हैं राष्ट्रपति, जबकि अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष ज्वाइंट सेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजिंग घोषणा पत्र बीजिंग डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महिलाओं के अधिकार से। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन 1995 में बीजिंग में हुआ था, ये उसी से संबंधित है। 24वां क्वेश्चन, गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक वेस्ट टाइप के अपशिष्ट से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रिसाइकलिंग, प्लास्टिक को रिसाइकल करके इसे यूजेबल बनाया जा सकता है। 25वां प्रश्न, 100 वॉट की बिजली का बल्ब 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च कितना आएगा, कितना यूनिट बिजली उठेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 यूनिट। अगर 1000 वॉट की बिजली 1 घंटे तक जलती है तो 1 यूनिट आता है। 26वां क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार के जनक फादर ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया कौन कहलाए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पीवी नरसिम्हा राव, जो 1990 के आसपास भारत के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह तब वित्त मंत्री थे। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जीविका खेती सर्वाइवल के लिए खेती का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी गहन खेती यानी इंटेंसिव फार्मिंग। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में 3 प्रशासनिक
राजधानियां हैं? विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक, ये देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, जिसकी 3 प्रशासनिक राजधानियां हैं, केप टाउन जिसका मुख्य राजधानी है, प्रिटोरिया और ब्लूम फॉन्टेन। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन, यहां पर मैचिंग है, आपको बताना है कि कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहां स्थित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3142, कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना है, यह किसका प्रभाव है या किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी इंफ्रारेड रेज, यानी अवरक्त किरणें, जो धरती पर आ तो जाती हैं लेकिन ये वापस नहीं जा पाती हैं और वातावरण को गर्म करती हैं। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से वे कौन से देश हैं जो म्यांमार यानी बर्मा के साथ सीमा लगाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन, डार्विन फिंचेस का प्रयोग किस समूह के लिए किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पक्षियों यानी बर्ड्स के लिए। चार्ल्स डार्विन ने बर्ड्स की 15 स्पेसीज जो चोंच की लंबाई के आधार पर निर्धारित की थी, इसे ही डार्विन फिंचेस कहा गया है। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? मनी बिल, कौन मनी बिल है इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत में वह शहर जहां पहला नगर निगम स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी मद्रास में 1867 में। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन, संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अमीर खुसरो। कर्नाटक शैली और हिंदुस्तानी शैली 2 प्रमुख शैलियां हैं, हिंदुस्तानी शैली को अमीर खुसरो ने स्थापित किया था। 36वां क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा अपनी बायोग्राफी लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी फिरोज शाह तुगलक, जिसने फतुहाते फिरोज शाही लिखी थी। 38वां क्वेश्चन, जो एक मैचिंग है, आपको बताना है कि इसमें सही सही क्या मैच्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2413, नोआखली तत्कालीन बंगाल में था जो अब दरअसल बांग्लादेश में पड़ता है, यरवदा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तेंदुलकर समिति। 40वां क्वेश्चन, फ्लैग्रेंट फॉल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में फॉल का एक प्रकार है फ्लैग्रेंट फॉल। 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पैमाने पर तापमान न्यूनतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी रोमर स्केल पर 1 डिग्री टेम्परेचर सबसे कम होगा। यहां पर सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और रोमर 4 तापमान की इकाइयां हैं। अगर आप इनका कन्वर्शन फैक्टर देखेंगे तो रोमर का सबसे कम टेम्परेचर आएगा। 42वां क्वेश्चन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड। यहां पर याद रखें कि शांत घाटी यानी साइलेंट वैली केरल में स्थित है। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन, पेड़ों को बचाने की मुहिम चिपको आंदोलन सर्वप्रथम कहां शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के प्रसन्ना गांव में 1730 के आसपास बिश्नोई समाज ने इसकी शुरुआत की थी, जिसमें कई लोग मारे भी गए थे।
44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र यानी ऑल सेशंस को आयोजित करते हैं और स्थगित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। 46वां क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? वॉल्केनिक माउंटेन रेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन, जहां रिंग्स ऑफ फायर्स पाए जाते हैं। 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा यानी फाइबर सबसे मजबूत स्ट्रांग रेशा माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिल्क। इन सभी में सिल्क सबसे स्ट्रांग होता है। 48वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये कहां से आती है? फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पानी से, पानी से ऑक्सीजन रिलीज होती है। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन, मोबाइल के जरिए धनराशि के ट्रांसफर को, जो पैसे हम लोग भेजते हैं मोबाइल के थ्रू, उसे किस शॉर्ट फॉर्म के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट यानी झील राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड में नैनीताल, जहां कई सारे लेक्स एक साथ आपको दिखाई देंगे। 51वां क्वेश्चन, 1904 में महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, वीडी सावरकर। 52वां क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नुब्रा। नेक्स्ट 53वां क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी, एमएस स्वामीनाथन, जबकि विश्व भर में नॉर्मन बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाते हैं। नेक्स्ट 54वां क्वेश्चन, भारत में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस तय करने का क्या आधार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट 55वां, आर्कियोप्टेरिक्स किनके बीच योजक कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक्स है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सरीसृप यानी रेप्टाइल और पक्षी यानी एव्स। आप जानते होंगे कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक है। नेक्स्ट 56वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है? इसका आंसर हो जाएगा सी, LPG। 57वां क्वेश्चन, लेड पेंसिल में सीसा यानी लेड का कितना प्रतिशत लगा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 0%। लेड पेंसिल लेड से नहीं बल्कि ग्रेफाइट से बना होता है। 58वां क्वेश्चन, भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर के सीवन यानी इसरो चीफ। 59, भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत यानी फ्रेश वाटर का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है, सोर्स का है? तो इसका आंसर होगा ए, भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर। 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक रियल फिश है, वास्तविक मछली है? तो इसका आंसर होगा डी, डॉग फिश। 61वां क्वेश्चन, सब्जी के रूप में खाए जाने वाला मशरूम वास्तविक रूप में क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, फंगस। 62वां क्वेश्चन, भारत का वह बैंक जो बैंकों का बैंक कहलाता है? इसका आंसर होगा सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
63वां क्वेश्चन, विश्व साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड लिटरेसी डे किस डेट को मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ये 8 सितंबर। 64वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस मिश्र धातु यानी एलॉय में क्रोमियम पाया जाता है? इसका आंसर होगा सी, नाइक्रोम, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से हीटर में किया जाता है। 65वां क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहां भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। 66वां क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला इंडीज माउंटेन माउंटेन रेंज कहां स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट 67वां क्वेश्चन, यदि वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ HG जो नॉर्मल प्रेशर होता है उससे कम हो तो पानी किस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, उबलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 100 डिग्री से कम पर। प्रेशर जैसे ही कम होगा पानी 100 डिग्री से कम पर ही बॉयल करने लगेगा। नेक्स्ट 68वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र में विदर्भ का क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संतरा। महाराष्ट्र में विदर्भ का क्षेत्र मुख्य रूप से नागपुर है जो संतरा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट 69वां क्वेश्चन, एक अच्छा चालक यानी गुड कंडक्टर जिसमें तेजी से धारा बह रही हो, करंट फ्लो कर रहा हो, क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होता है। हाँ, इसमें करंट जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्लो करता है ऋण आवेश के रूप में। 70वां क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मिनरल यानी खनिज आवश्यक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पोटेशियम। 71वां क्वेश्चन, जो अब 10 करंट अफेयर से क्वेश्चन होंगे, आइए देखते हैं। वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 112। भारत का स्थान 112 है, जबकि टॉप पे जो सबसे कम जेंडर गैप है वो है आइसलैंड। नेक्स्ट 72वां क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के लिए हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने कश्मीर का दौरा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ। 73वां क्वेश्चन, नवंबर 2019 में 11वें ब्रिक्स समिट का आयोजन हुआ था, ये कहां हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, ब्राजीलिया यानी ब्राजील में। 74वां क्वेश्चन, बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य में ऊर्जा गिरी अभियान चलाने की घोषणा हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में बिजली चोरी पर गांधीगिरी के तर्ज पर ऊर्जा गिरी अभियान यानी लोगों को समझाया जाएगा कि वे चोरी ना करें। 75वां क्वेश्चन, भारत और निम्नलिखित देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ सूर्य किरण 14, ये कौन सा देश था जिसके साथ सूर्य किरण अभ्यास हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल के साथ हर साल सूर्य किरण अभ्यास होता है, इस बार नेपाल में हुआ। 76वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्टार्टअप को स्पेस ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्लू स्काई एनालिटिक्स। बड़ा पुरस्कार है, काफी ध्यान खींचने वाला है। 77वां क्वेश्चन, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग, जो स्वीडन की है, सामाजिक कार्यकर्ता है, पर्यावरण पर काफी चर्चा में रहती है। 78वां क्वेश्चन, डची फैट 3 किस देश के स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया नैनो सैटेलाइट था जिसे हाल ही में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इज़राइल। 79, भारत के पहले पशु किसान क्रेडिट कार्ड, जानवरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया गया है, कहां यह किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए हरियाणा, 80 ATS क्वेश्चन। किस भारतीय मूल के इंजीनियर की जानकारी के आधार पर नासा ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर को खोजा था? नासा ने खोजा लेकिन इसके लिए हिंट दिया था एक भारतीय इंजीनियर ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ए शनमुगम सुब्रमण्यम। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन, जो अब 10 क्वेश्चन है रीजनिंग के, वो आपको दिखाई देंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या आपको ज्ञात करना है, बताना कि नेक्स्ट कौन सी संख्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 793 यानी सी। दरअसल इसमें गुना 2 करके प्लस 7 आप करेंगे तो नेक्स्ट लेटर आ जाएगा। 82वां क्वेश्चन, पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में सही विकल्प का चुनाव करना है, कौन सा सही इसमें सिलेक्शन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोल्जर। हेलमेट राइडर लगाता है तो शील्ड रक्षा कवच जिसे कहते हैं ये सोल्जर लगाते हैं। 83वां क्वेश्चन, सुशीला सुधा से लंबी है लेकिन सुधा से छोटी है, पुष्पा से छोटी है, पूनम रिंकी से छोटी है और रिंकी सुधा जितनी लंबी नहीं है, यदि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हों तो सबसे लंबा कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पुष्पा। नेक्स्ट 84वां क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है कि 10:10 पर घड़ी की छोटी और बड़ी सुइयाँ कितनी डिग्री का कोण बनाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 115 डिग्री। नेक्स्ट 85वां क्वेश्चन, 5 रंग यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन रंग कलर भिन्न है, एक दूसरे से अलग है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाबी। गुलाबी रंग कलर स्पेक्ट्रम में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट 86वां क्वेश्चन, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए और इसी तरह का सीरीज हम लोग चलाएं तो दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम यानी वेस्ट। नेक्स्ट 87वां, रैना की मां मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है, मोहिनी का पति रैना से किस प्रकार से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी पिता। 88वां क्वेश्चन, यहां पर आपको बताना है कि कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इसमें मीडियन और मोड यानी मध्यिका और बहुलक का अंतर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3.5, क्योंकि मीडियन यहां पर 45 और 46 है, जिसे 2 से भाग देंगे तो 45.5 आएगा, और फिर मोड जो सर्वाधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं, तो ये बहुलक दरअसल 42 है, दोनों का घटाएंगे तो 3.5 आंसर आएगा। 89th क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए गए हैं इंग्लिश के और डेटा है, कुछ अंक हैं, आपको बताना है इसमें कौन भिन्न है, मिसमैच है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी NP। इन का डिजिट वैल्यू देखेंगे तो 14 पर है ये, 16 हो जाएगा पी, दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आता है, ये 31 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट 90th क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक सीरीज दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा पद लुप्त है, सही लुप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी EFG। दरअसल +4, +3 और +2 इस तरह का डिफरेंस आप करेंगे तो ये आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के हैं, केवल इसका अभी यहाँ पर आंसर दिया जा रहा है तो इसे आप यहाँ पर देखकर बनाएं, आंसर सही है इसे आप बनाकर देखें। 91st, एक आयताकार हॉल के फर्श पर 150 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाई जानी है, यदि हॉल 20 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है तो 12 रुपये प्रति मीटर की दर से कालीन की आवश्यक लागत मूल्य क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2880। नेक्स्ट 92वां क्वेश्चन, यहाँ पर भी बताना है आपको इसका सही आंसर क्या है, किसी पुस्तक को 320 रुपये पर बिक्री किया जा रहा है, 20% हानि होती है, आपको आंसर निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 5% की इसमें हानि होगी। 93वां क्वेश्चन,
सबसे वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 783, 810, 121 से भाग देने पर 3, 5 और 7 शेष बचे। तो इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट 94वां क्वेश्चन, यदि कोई संख्या एक्स 3339 जो 11 से विभाज्य हो तो एक्स का मान आपको निकालना है क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 5। नेक्स्ट 95वां क्वेश्चन, यहाँ पर दो शहर हैं, उनका कुछ डेटा दिया हुआ है तो आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 750,000 यानी बी। नेक्स्ट 96वां क्वेश्चन, एक विश्वविद्यालय के कुछ आंकड़े हैं जहाँ पर कुछ पुरुष हैं और महिलाओं का रिप्लेसमेंट होता है, आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा बी 35 वर्ष। नेक्स्ट 97वां नंबर, यहाँ पर एक ही कार्य क्षमता दी गई है जो 9 दिन में समाप्त कर लेता है किसी काम को। अगर एक ही कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 6 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक नल का टंकी से निकलने वाले पानी से संबंधित प्रश्न है, आपको बताना कि 40 मिनट में भर देता है जबकि दूसरा नल 60 मिनट में पूरा खाली कर देता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो खाली टंकी कितने घंटे में भरेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा घंटे। नेक्स्ट 99वां नंबर क्वेश्चन, ए बी से दुगना दौड़ता है, बी सी से तिगुना तेज दौड़ता है, यदि सी ने किसी दूरी को 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो बी उसे कितने समय में पूरा कर लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 मिनट यानी बी। लास्ट 100वां क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगनी हो यह कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, यह आपको निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 45 वर्ष। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चंस जिसमें अलग अलग कैटेगरीज भी निर्धारित कर दिए गए हैं कि इतने होने चाहिए, और अगर अभी नहीं हो रहे हैं तो अभी शुरुआत है, टाइम आपको मिला हुआ है, धीरे धीरे आप इम्प्रूव करें, लेकिन ये मिनिमम कट ऑफ है, आपको इससे आगे जाना है, काफ़ी आगे जाना है ताकि फाइनली रिजल्ट्स में आपका एक रोल नंबर निश्चित हो सके। टेक केयर।